आपत्ति नहीं आपकी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब नीरू डर गया कि छोटे से बालक में कहीं कोई प्रेत ना हो, कोई फरिश्ता ना प्रवेश हो गया हो। चुप करके डर के आगे आगे हो लिया, चल पड़ा। अब नगर में जब लेकर आए, अड़ोसी पड़ोसियों ने पूछा कि ये बच्चा कहाँ से लाए, बहुत सुंदर बालक ये तो, ओ हो देखो इसका कितना सुंदर चेहरा है, कितना अच्छा लग रहा है ये तो, कोई कहे तो ब्रह्मा जी जैसा रूप है, कोई कहे विष्णु जी के तुल्य है, कोई कहे शिव जी ने के जैसा रूप है, कोई देवता, कोई पितर, कोई गण, कुछ कुछ बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का जो शरीर था वो बहुत ही सुंदर और नूरी शरीर था। नगर के लोग और स्त्री और पुरुष ऐसे देखने आते हैं ना गीत गाते हुए कि नीमा के घर पे एक बालक पाया है उन्होंने, जंगल में पाया है, लहर तारा तालाब में मिला है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। तो आखिर में क्या होता है, बच्चा 25 दिन का हो जाता है, 25 दिन का हो जाता है लेकिन कुछ भी आहार नहीं करता है। नीमा बुरी तरह रोने लग जाती है, बहुत बुरी तरह तड़फ रही है, रो रही है, विलाप कर रही है, हे भगवान शिव जी आपने हमारे ऊपर मेहर करिए खिलौना दिया, हे परमात्मा अब दे कर ले रहे हो, नहीं देना था तो ना देते, इससे अच्छा ये दुख तो ना होता, जैसा भी जी रहे थे जैसा जीना था, अब ये बच्चे को ले रहे हो, ये मरेगा क्यों, खा पी कुछ नहीं रहा और साथ मरूंगी मैं, कति हृदय से बोल दिया उसने, जिस दिन इस बालक का शरीर पूरा हो गया उसी दिन मैं फांसी खा लूंगी या कुएं में गिर जाऊंगी। उधर से परमात्मा कबीर जी ने, उस कबीर जी परमेश्वर ने बंदी छोड़, कबीर जी परमेश्वर ने अंतर्यामी ने उसकी भावना जान ली, शिव जी को प्रेरित किया। शिव जी वहां अपने शिवपुरी से शिवलोक से चलकर आए, एक साधु का रूप बनाया, एक महात्मा का रूप बनाया, आकर के नीमा रो रही थी, कहा माई क्यों रो रही है, कारण का पता लग गया। तो भगवान शिव जी ने कहा कि लाओ, कहां है तेरा बच्चा, नीमा लाई उठा के, ऐसे चरणों में रखना चाहा भगवान शिव जी के, वो बच्चा चरणों में नहीं आकाश में उड़ गया और भगवान शिव जी के शीश के बराबर 6-7 फुट की ऊंचाई पर अपने आप हवा में रुक गया। अब नीमा यह करिश्मा देखकर, यह चमत्कार देखकर गदगद होगी, उसने जान लिया कि इस संत में बड़ी जो ना शक्ति है और इसने मेरे बेटे को हवा में रोक दिया। अब इनके 9 नंबर बना करते इन भगवाना के, कर भगवान अपनी शक्ति दिखा रहे हैं और हुआ मंदबुद्धि ने कह शिव जी ने रोक दिया इतने ऊपर है। अब शिव जी ने फिर ऐसे किया, गोदी में लेना चाहा, अब उनके गोदी में हाथों में परमात्मा आ गए। फिर परमेश्वर कबीर देव जी ने 25 दिन की आयु वाले बालक ने कहा शिव जी से कि इनसे कहो कि कुंवारी गायें ले आवे, कुंवारी गायें ले आवे। कुंवारी गायें वो होती है जिस बछिया ने दूध पीना छोड़ दिया हो और अभी उसने वो बैल ने टच ना करी हो, वो कभी ब्याई ना हो। ऐसा ही किया गया और परमेश्वर ने कहा कि आप इसकी कमर पर हाथ मार देना, आशीर्वाद भरा हाथ रख देना या दूध दिया करेगी। ऐसे 7 बार आपस में बतलाए, शिव जी नहीं समझ सके ये कौन है, इतना जरूर समझ गए कि ये कोई सिद्ध पुरुष अवश्य है। अब एक कोरा पात्र लाए थे कुम्हार के घर से, एक छोटा सा जिसमें 5-6 किलो जो है ना दूध आ जाए। जब वो पात्र भर गया अपने आप गाय का दूध निकलना बंद हो गया। अब प्रतिदिन वो कुंवारी गाय दूध देने लगी और कबीर परमेश्वर जी पूर्ण ब्रह्म उस दूध को पीने लगे, क्योंकि कुंवारी गाय में दूध वो सतलोक से आता था, सतलोक से आता था। अपुण आत्माओं ये लीला
कबीर परमेश्वर जी प्रत्येक युग में करते हैं और वेद गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म जब ज्ञान प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं वो शिशु रूप धारण करते हैं और शिशु रूप में प्रगट उस अमर परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये लीला 600 वर्ष पहले की थी परमात्मा ने, जो वेदों में वर्णित है और अभी हमारे नोटिस में तो अब आई है। वो वेदों को हमने अब देखा है 5-7 वर्ष से, उससे पहले हम वेदों से कति अनभिज्ञ थे और वही लीला परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कर रखी है। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर। कबीर सागर में कबीर परमेश्वर की महिमा और उनकी अमृत वाणी और लीलाएं 550 वर्ष पहले की लिपिबद्ध। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग इकट्ठे कर रखे हैं। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। कबीर सागर प्रथम खंड। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रचकृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब यहाँ दिखाते हैं इसमें ज्ञान सागर में। ये है ज्ञान सागर प्रथम खंड है। ये ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण को आवे, अनपाणी भक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। रामानंद जी के पास गया अपने बालक ने लेकर, जैसे को बच्चे का तकलीफ हो जाती है तो ऋषि महर्षियों के पास ले जाते हैं। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुलाहे सो तब ये वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नहीं मिल बलि भांति। कुछ तुम सेवा हर की चूकाता, ते भयो जुलाहे का रूप। प्रीति प्रभु गई तोरी लीना, ताते उद्धान में सुत तोह दीना। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। इसी दया करो रामानंद जी, मेरा भूखा बेटा कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा बहुत कोई अच्छा ज्ञानवान है। बच्चिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करे ते ही आगा। बछिया ले आओ गाय की, जिसको बैल ना लगा हो, यानी अनटच्ड हो, कुंवारी गाय हो, और उसके सामने खड़ा कर दो। दूध चले ते ही थन ते, दूध ही धरो छिपाई। क्षुदावंत जब होवे तब ताको दे खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ इस कबीर पंथियों ने इनमें कुछ अपनी मंदबुद्धि से काट छांट भी कर दी है। यहाँ ये लिखा है कि चलो दूत कोई मर्म नहीं जाना। यहाँ ऊपर प्रसंग है, एक पुराना कबीर पंथ है हाथ से लिखा हुआ, उसमें लिखा है कि यहाँ वो कहते एक दूत यानी एक संत रूप में कोई फरिश्ता आया और उसने फिर ये सब बातें कबीर, क्योंकि इसकी पूर्ति गरीबदास जी ने की है। परमेश्वर कबीर जी ने अपना ज्ञान गरीबदास जी के अंतकरण में फीड कर दिया था। तो यहाँ सपट लिखा है कि बछिया जाही बैल नहीं लागा,
अरसोले ठाड करे ते यागा, भूख लागे जो बालक पीवेगा, इसका कहने का भाव है। दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संग संत संग मत धीरा। पुण्यात्माओं, हमने भगवान पहचानना है और भगवान परमात्मा को पहचान कर फिर हम साधना करेंगे, हमें कोई डगमग नहीं कर सकता। पवित्र हिंदू समाज अपने वेदों को यथार्थ मानता है, सत्य मानता है। आज उन्हीं वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी हुई और ये स्पष्ट प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ऐसी लीला आज तक ना श्री कृष्ण ने की, ना विष्णु जी ने की, ना रामचंद्र जी ने की, ना किसी और भगवान जिसको मानते हैं उन्होंने की, केवल कबीर जी ने की जो वेदों में प्रमाण है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते, वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलू वो वेद जानते नहीं। कबीर जी कहा करते परमेश्वर जी के, वेद मेरा ही गुणगान करते हैं मेरी महिमा का, पर मेरे पाने की विधि वेदों में नहीं है। अब देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल 9-10 इकट्ठा ही अनुवादित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके मंडल नंबर 1 में और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 दिखाते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं इसको, 9वां मंडल ऋग्वेद का और प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र यहाँ से देखिए। यहाँ लिखा है सोम माने हे परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा। अब इनकी ये जो कमजोरी है ना, जहाँ इन्होंने गड़बड़ की है, वो पहचानने के लिए ये बताना पड़ रहा है। मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन, परमात्मा की महिमा है ना। अब मंत्र नंबर 3 में हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है सारी है। मंत्र नंबर 4 में हे परमात्मन, मंत्र नंबर 5 में हे परमात्मन। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र हम देख रहे हैं इन्हीं के अनुवाद में। मंत्र नंबर 6 में हे परमात्मन। अब मंत्र नंबर 7 में इनका याद आ गया, क्योंकि महर्षि दयानंद के द्वारा अनुवाद नहीं है ये, उन्हीं के पैटर्न से अन्य आर्य समाज के आचार्यों ने किया हुआ इसका अनुवाद है। अब उनका याद आ गया कि वो तो निराकार बताते हैं भगवान को, यहाँ उन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पुरुष माने प्रभु होता है, अब यहाँ लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमात्मा को, जैसे पहले लिखते आ रहे थे। 8 में भी गड़बड़ कर दिया इन्होंने, उस पुरुष को, उस परमात्मा को। ओए, उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है, वह परमात्मा प्राप्त होता है, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे, वेदों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने, घुमा दिया यहाँ पर। लेकिन स्पष्ट है उस परमात्मा को उग्र गतियाँ, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तो तब तब उसी दृष्टिकोण से परमात्मा भी आते हैं जब धर्म का नाश हो जाता है। अब कति धर्म का नाश हो रहा है, अब परमात्मा ने इस दास पर कृपा करी, 600 वर्ष पहले मालिक खुद आए थे, तो उसमें जब आए तो भक्ति का प्रचार कर गए थे। उस परमात्मा को उग्र गतियाँ, विशेष परिस्थितियाँ, भयंकर परिस्थितियाँ प्रेरणा करती हैं यहाँ आने के लिए। और भासमान शरीर को, एक तेजोमय शरीर को, एक सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 पर पढ़ा आपने, 3 पर पढ़ रहे, अब 4 पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 पर सूक्त नंबर 9 मंत्र मंडल नंबर 1